व्यक्ति कभी कभी सपने में किशमिश देखता है। जो इंसान सपने में किशमिश देखता है उसके मन में इस सपने का अर्थ जानने की इच्छा होती है। सपने में किशमिश देखना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप भी सपने में किशमिश देखते हैं तो हम इस वीडियो में आपको इस सपने का अर्थ साथ ही साथ आपको एक उपाय बताएंगे, जो कि यदि आप यह स्वप्न देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। दर्शकों, किशमिश अंगूर को सुखाने के बाद बनाया जाता है। किशमिश स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। किशमिश खाने वाला व्यक्ति देर से बूढ़ा होता है और किशमिश खाने से कमजोरी भी दूर होती है और ताकत बढ़ने लगती है। तो सपने में किशमिश देखना अच्छा नहीं माना जाता। जी हाँ, जितने इसके लाभ हैं, खूबियाँ हैं, उसके अतिरिक्त यदि सपने में आपने किशमिश देखा है तो यह स्वप्न एक अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता। सपने में किशमिश देखने का मतलब है लड़ाई झगड़ा होना। जो व्यक्ति स्वप्न में किशमिश देखता है उस व्यक्ति का किसी दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद हो सकता है। अगर आप अपने सपने में किशमिश देखते हैं तो कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आप किसी के साथ झगड़ा कर बैठेंगे। वहीं सपने में लाल किशमिश देखना न तो अच्छा होता है ना ही बुरा, क्योंकि सपने में लाल किशमिश देखने का मतलब है स्वभाव में परिवर्तन का संकेत। जो व्यक्ति स्वप्न में लाल किशमिश देखता है उसे अपना स्वभाव में सुधार करना चाहिए। अगर आपका स्वभाव कोठर है तो आपको उसे कोमल बनाना चाहिए, और अगर आपका स्वभाव कोमल है तो आपको थोड़ा सा कठोर बनने की आवश्यकता है। वही सपने में किशमिश खाना अच्छा नहीं है। सपने में किशमिश खाने का मतलब ये इच्छाओं का अधूरा रह जाना। जो व्यक्ति सपने में किशमिश खाता है उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। अगर आपको किशमिश खाने का स्वप्न दिख रहा है तो आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे किशमिश से जुड़े हुए कुछ सपने। यदि आप किशमिश से जुड़े हुए सपने देखते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बता सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकें, क्योंकि आप इस सपने को जितने ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे उतना ही जो इसका अशुभ परिणाम है वह कम हो जाएगा, क्योंकि अशुभ सपनों को बताने से उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकें। वहीं अगर आप यह स्वप्न देख रहे हैं तो आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, आपको शिव मंदिर में जाके जल अर्पित करना ही चाहिए। वहीं यदि आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो इस सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। वही स्वप्न अगर आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा, और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो इस सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, यदि आप ऐसे स्वप्न देख रहे हैं तो आप दोपहर या शाम में सोते हुए देखेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा और ये सारे सपने एक निरर्थक सपने रह जाएंगे। किंतु अगर आप रात में या भोर में देख रहे हैं तभी इनका कोई ना कोई अर्थ रह जाएगा। तो ये थी हमारी कुल मिला करके जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को भी निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि आपका ये सपना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि आपने ये सपना देखा है, तो आप यहाँ के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी दर्शक आएंगे, जो वीडियो देखेंगे, उनको ये पता चलेगा कि आपने भी ये सपना देखा है, तो आप ये भी एक उपाय कर सकते हैं। वहीं आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। राधे राधे दर्शकों, आप सभी का मंगल हो, आप सभी सदैव हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बरसती रहे।